चेन्नई दौरे पर प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले। प्रधानमंत्री ने भारी बारिश और बाढ़ के कहर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी को बताया घोटाला, कहा इससे अर्थव्यवस्था हुई तबाह। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर ममता ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया, ट्विटर डीपी करेंगी ब्लॉक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर बड़ा बयान, रिजर्वेशन जारी रखने का किया समर्थन, जाति के नाम पर भेदभाव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी का आज हिमाचल दौरा, करेंगे 3 रैलियां, पौंटा साहिब, चंबा, कांगड़ा में होगी राहुल की रैली। हिमाचल में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 2 रैलियां, रामपुर और बड्डी में करेंगे जनसभा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हिमाचल में संभाली प्रचार की कमान, आज करेंगे 2 रैलियां। पंजाब में कैप्टन सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का भी आज हिमाचल दौरा, जनता से फिर वीरभद्र सरकार की करेंगे अपील। गुजरात में पाटीदार आरक्षण पर आज कांग्रेस तय करेगी अपना रुख, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण पर कांग्रेस में असमंजस, हार्दिक पटेल का भी दबाव, कांग्रेस जल्द करे फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने पाटीदार आरक्षण पर पार्टी नेताओं को संविधान के दायरे में फैसला लेने का दिया है निर्देश। पाटीदारों के बाद अब राजपूतों ने गुजरात में बढ़ाई मुसीबत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी से खफा है कार्डिया राजपूत, इस्तीफे की मांग। राजपूतों का आरोप, कार्डिया समाज के अध्यक्ष दार सिंह को जीतू वाघानी ने किया परेशान, बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज। गुजरात में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की बढ़ी सुरक्षा, जिग्नेश ने कहा किसी ने नहीं की सुरक्षा की मांग। राहुल के पीड़ित ट्वीट पर चर्चा के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का विवादित बयान, बोले 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, गुजरात में बीजेपी ही जीतेगी। 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, मोदी शेर है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 8 नवंबर को सूरत में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टक्कर, नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर बीजेपी बनाएगी जश्न, कांग्रेस ने काला दिवस मनाने की तैयारी की। आज चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी, एक मैगजीन के अनावरण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव को जनता ने दिखाया आईना, खगड़िया में सभा के दौरान महज 100 लोग जुटे। शिमला में महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री की हुई बोलती बंद, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सीधा जवाब नहीं दे सके रेल मंत्री पीयूष गोयल। मंत्री पीयूष गोयल ने गैस कीमतों से जुड़े सवाल पर 3 साल बाद भी कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा, कहा यूपीए के वक्त की दरें की गई लागू। कानपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में किया हंगामा, पैसे लेकर टिकट वितरण का आरोप लगाया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर पैसे लेकर निकाय चुनाव में टिकट वितरण का आरोप लगाया, नारेबाजी। बिजनौर में टिकट वितरण से खफा बीजेपी नेता सविता शर्मा ने किया आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने किसी तरह रोका, महिला सीट पर खुद का टिकट काटे जाने से है नाराज। रामपुर में निकाय चुनाव के लिए एसपी महिला उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे आजम खान, बोले भाषा की मर्यादा, अफसरों पर की विवादित टिप्पणी। यहां बहुत बुरे बुरे जिलाधिकारी आए, लंगोट के कमजोर भी आए, घुटनों से खोखल भी आए। यूपी में निकाय चुनावों में बीजेपी ने मुस्लिम महिला उम्मीदवारों पर लगाया दांव, बीजेपी को 3 तलाक पर पाबंदी का लाभ मिलने की उम्मीद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निकाय चुनाव के 3 बीजेपी उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम महिलाओं को टिकट। लखनऊ में निकाय चुनाव के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल, मेरठ और बिजनौर में भी बीजेपी ने मुस्लिम महिला उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। सरकार के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा, इंस्ट्रक्टर बनाए जाने के बाद घाटी का पहला दौरा। घाटी की समस्या के समाधान पर बोले दिनेश शर्मा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, बातचीत शुरू होने से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 6 महीने में मुठभेड़ में 80 आतंकियों को बनाया निशाना। ओडिशा के राउरकेला में स्वच्छता मिशन के तहत बने शौचालय को आवास बनाने पर मजबूर हुआ एक मजदूर, प्रधानमंत्री योजना के तहत नहीं मिल सका था आवास। कर्ज माफी योजना में ढिलाई पर अकोला के किसान खफा, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत को लौटाई सरकार से मिली गाड़ी साड़ियां। भारत बांग्लादेश के बीच मेघालय और मिजोरम में शुरू हुआ साझा सैन्य अभ्यास, 13 दिनों तक रहेगा जारी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार अरुणाचल में चीन की सरहद पर पहुंची, सैनिकों के साथ किया भोजन। बुढ़ाणा के सिंध के राजा इलाके में खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के, 3 किलो सिक्के बरामद।
महाराष्ट्र में कैशलेस मिशन की खुली पोल, नासिक में किसानों को उपज के दाम के लिए महीनों करना पड़ रहा है इंतजार, नई फसल के लिए गिरवी रखने पड़ रहे हैं। शिरडी में साईं की पादुका यात्रा पर रोक का मुद्दा गरमाया, साईं भक्त मंदिर परिसर में आमरण अनशन पर बैठे। बिहार में जेडीयू की महिला सेल का अफसरों पर गंभीर आरोप, कहा शराबबंदी विफल करने में जुटे हैं अफसर, अवैध शराब के कारोबारियों से है साठगांठ। हिमाचल के ऊना में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता और गायक हंसराज हंस ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। गायक भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर असम में कई आयोजन, जालुकबाड़ी स्थित समाधि स्थल पर जुटे लोग। फिल्म पद्मावती पर उदयपुर में पुलिस के आदेश की हो रही है चर्चा, सर्कल ऑफिसर ने एसपी का हवाला देकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए फिल्म पर रोक का नोटिस जारी किया। आज खत्म होगी हनीप्रीत की न्यायिक हिरासत, अंबाला जेल में बंद है हनीप्रीत, कोर्ट में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनीप्रीत के जुड़ने की खबर। सिरसा पुलिस ने हनीप्रीत की पॉकेट डायरी समेत दो डायरियां की बरामद, पॉकेट डायरी में दर्ज है डेरा सच्चा सौदा के ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत की दूसरी डायरी में गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत से जुड़ी निजी जानकारियां दर्ज। चेन्नई पुलिस ने कार्टूनिस्ट बालाजी को किया गिरफ्तार, सीएम पलानी स्वामी पर विवादित कार्टून बनाने का आरोप। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में थम नहीं रही बच्चों की मौत, पिछले 48 घंटे में 30 बच्चों ने तोड़ा दम। गाजीपुर में बीजेपी विधायक अलका राय ने थानाध्यक्ष पर अपने सामने अपराधी को छोड़े जाने का आरोप लगाया, धरने पर बैठी। विधायक अलका राय का आरोप, नौनहरा के थानाध्यक्ष केपी सिंह अपराधी अमित राय से मिल रहे थे गले, मुख्तार अंसारी का करीबी है। नोएडा एक्सप्रेस वे पर हुए बेहद भयावह हादसे में I-10 सवार 6 लोगों की मौत, तेज रफ्तार इनोवा से हुई थी I-10 की टक्कर, शोक में डूबे परिजन। छठ पर्व मनाकर बिहार के गोपालगंज से दिल्ली के लिए लौट रहा था परिवार, इनोवा से टक्कर के बाद I-10 कार में लगी आग, 6 लोग जिंदा जले। मुजफ्फरपुर में एक दबंग पर महिला को थूक चटाने का लगा आरोप, महिला कर रही थी घर का कब्जा छोड़ने की फरियाद, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के कुलाबा में घुड़सवारी के दौरान 6 साल की मासूम की मौत, घोड़े से बच्ची के गिरने के बाद बच्ची पर ही गिर गया था घोड़ा। होशंगाबाद में NH-69 पर ट्रक से भिड़ी जीप, हादसे में 6 की मौत। तरनतारन में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, तिजोरी उठाकर भागते दिखे बदमाश। हैदराबाद में 10वीं की छात्रा स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, गणित के शिक्षक पर छात्रा को हतोत्साहित करने का आरोप। ओडिशा के बरीपाड़ा में 5 महिलाओं को पेड़ से बांधकर की गई बर्बरता, जादू टोने का लगाया आरोप। रुड़की के लंढौरा में गैस सिलेंडर फटने के बाद आयरन फैक्ट्री में लगी आग, 12 से ज्यादा लोग घायल। उधम सिंह नगर में फिर से तेंदुए की दहशत, 2 बच्चों के साथ दिखा तेंदुआ, एक किसान ने कैमरे में कैद की तस्वीर। गुना के मधुसूदनगढ़ इलाके में बलात्कार के बाद दलित नाबालिग लड़की की हत्या, परिजनों ने इंसाफ के लिए लगाया जाम। पाली में एक मोबाइल शॉप में तोड़फोड़ और लूटपाट, शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रिटायर्ड फौजी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा के खरगोपुर इलाके में एक शिक्षक पर 7 साल के मासूम का हाथ तोड़ने का लगा आरोप, स्कूल में बच्चों के शोरगुल से नींद में खलल करने पर पीटा। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी इलाके में सब इंस्पेक्टर और सिपाही की जमकर हुई पिटाई, पुलिस गाड़ी से हुए हादसे के बाद हर्जाना ना देने पर लोगों ने पीटा। यूपी के मिर्जापुर में एक जर्मन यात्री से बदसलूकी, मारपीट में हाथ में लगी चोट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में घरवालों को बेहोश कर लाखों का लगा चूना, गई लुटेरी दुल्हन नकदी और जेवर लेकर हुई फरार। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में आज तक का बजा डंका, लगातार 7वीं बार मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। आज तक और उसके सहयोगी चैनल इंडिया टुडे की जोड़ी में आए 6 अवार्ड, बेस्ट न्यूज चैनल पॉपुलर अवार्ड से नवाजा गया आज तक। एजेंडा आज तक को बेस्ट टेलीविजन इवेंट अवार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में मिला सम्मान। राहुल कंवल के कार्यक्रम न्यूज रूम को बेस्ट करंट अफेयर्स का अवार्ड, राजदीप सरदेसाई को अंग्रेजी का बेस्ट न्यूज होस्ट अवार्ड। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में लगातार 7वें साल आज तक बना सर्वश्रेष्ठ चैनल, दर्शकों का बना चहेता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।